लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर पे मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, जिसके पीछे का रीजन ये हो सकता है। 2018 के थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा अब 2022 में आ रही है। तो इतने लंबे समय के बाद जब आमिर खान की कोई मूवी आ रही है और उनकी मूवी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ है तो उनके फैंस एक्साइटेड तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके मन में कुछ डाउट्स हैं, जिसका रीजन ये है कि लाल सिंह चड्ढा एक एडेप्टेशन है अमेरिकन फिल्म फॉरेस्ट गंप की, जो कि रिलीज हुई थी 1994 में। अब फॉरेस्ट गंप मूवी खुद बेस्ड है 1986 की नॉवल फॉरेस्ट गंप। अब यहाँ पे फैंस को ये समझने की जरूरत है, किसी मूवी को किसी और मूवी से अडेप्ट करना और किसी मूवी के डायलॉग्स को सीधा अपनी लैंग्वेज में छाप के बना देना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और जब आमिर खान इतने टाइम के बाद अपनी मूवी लेके आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने फैंस को निराश करेंगे। मेरे साथ ब्याह करेगी। वैसे फॉरेस्ट गंप नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम दोनों पर ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने अभी तक फॉरेस्ट गंप नहीं देखी है तो मेरी मानो अभी मत देखो। 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा देख लेना और जिंदगी में चमत्कार होंगे जी। हाँ, ऐसी फिल्मी बातों के लिए फिल्मी बात को जरूर सब्सक्राइब करें।